85 महानुभावों, देवियों और देवताओं। कबीर साहब की पहली अपील है कि मनुष्य मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से देखे। आज से 500-600 वर्ष पूर्व उन्होंने ये चाहा था कि मनुष्य का अधिकार सभी दिशाओं में हो, अपनी योग्यता के अनुसार वो आगे बढ़े, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध न हो, क्योंकि मनुष्य मूलतः समान है, कोई किसी को अछूत न कहे, क्योंकि जन्म से कोई अछूत नहीं, कर्म से छूत अछूत होता है, गंदा काम करता है अछूत हो जाता है, अच्छा काम करता है अछूत नहीं है। एक ही आदमी टट्टी घर से निकला है अछूत है, और रसोई घर में उसको नहीं जाना चाहिए, स्नान कर लिया अछूत नहीं है, मेहतर है स्नान करके रसोई घर में जा सकता है, मेहतर हाथ से टट्टी साफ करता है, हम सब पेट में टट्टी भरे हैं, कम मेहतर है? इतनी अकल जिसको ना हो मनुष्य, सबके अंदर में ब्रह्म बैठा है, ये आत्मा ब्रह्म है, ब्राह्मण कौन नहीं है, ब्रह्मत्व तो हमारा उद्घाटित होना चाहिए, शूद्रत्व तो घटना चाहिए, देहाभिमान शूद्रत्व तो है, आत्मज्ञान में रमना ब्रह्मत्व तो है, ऋषियों ने भी इसको स्वीकारा है। वर्ण व्यवस्था के पक्षधर कहते हैं कि वेदों में शूद्र और स्त्रियों का अधिकार नहीं, चारों वेदों में कौन सी ऐसी पंक्ति है जिसमें यह लिखा है, कहीं नहीं। वैदिक ऋषि ये नहीं जानते थे, शूद्र कहे जाने वाले लोग वेद मंत्रों के रचयिता हैं, मेरी पुस्तक है वेद क्या कहते हैं, भूमिका ही में मैंने इसको लिखा है और उनका नाम दिया है, और जिस वेद मंत्र सूत्र इत्यादि में उन्होंने कहा है वो सब नंबर दिया है। स्त्रियां वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, यही नहीं कि शूद्र कही जाने वाली स्त्रियां, ब्राह्मण कही जाने वाली स्त्रियां अधिकारी नहीं है, देवारी वेद पढ़ सकते हैं, त्यौराइन नहीं पढ़ सकती, आधी मुर्गी काट के खाएंगे आधी अंडा देगी। 12 से अधिक स्त्रियां हैं जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की, अपाला घोषा इत्यादि। वर्ण व्यवस्था कभी काम का बंटवारा था, अछूत अछूत कुछ नहीं, सब घुल मिल के रहते थे, आगे चलकर के योग्यता के अनुसार उसको रखा गया, फिर उसके आगे चलकर के जन्म से ही मान लिया गया, तब से बिगड़ गया, और इसमें राजनीति घुसी और एक वर्ग को बिना सद्गुण के ही पूज्य माना गया, और एक वर्ग को सद्गुण संपन्न होने पर भी गंदा माना गया। तलवार से किसी का गला काट देना पाप है, और किसी के मन में यह बैठा देना कि तुम जन्म से नीच हो और अछूत हो, महापाप है, और यह महापाप किया गया। कबीर साहब को यह अखरता था, उन्होंने कहा जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राधि कायना है, जो तू तुरुक तुरुकनिक जाया बेटे ही कायन सुनित कराया, कारी पीरी दो गाई ताकर दो देव गिल गई, दो तो सब सफेद है, ऐसो भर्म विगोरचन भारी वेद कितेब दीन और दोजक को पुरुष को नारी, नारी पुरुष घट चिन्ह है, शरीर में कुछ चिन्हों का अंतर है बस, माटी का घट साज बना है अनादे बिंद समाना, घट बिन से क्या नाम धरोगे हमक खोज भुलाना, एक त्वचा हाट मलमूत्रा एक रुद्री अगूदा, एक बुंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को शूद्र, रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतोगुणी हरि होई, कहें कबीर राम रम रहिए हिंदू तुर्क न कोई। उन्होंने ये चाहा कि मानव मानव को मानव की निगाह से देखे, मानव मात्र का अधिकार सर्वत्र हो, स्वतंत्र, किसी पर कोई प्रतिबंध न हो, अपनी योग्यता के अनुसार बढ़े, कोई किसी को अछूत न कहे, ये उनकी सोच भारत आजाद होने पर कानून के रूप में बदल गई।
ये कबीर विचारों की सच्ची विजय है। ये कबीर विचारों की विजय नहीं है, आपकी विजय, सत्ता की विजय। क्योंकि कबीर सत्ता की बात करते हैं, कबीर की कोई जात नहीं, कबीर का कोई संप्रदाय नहीं, कबीर का रूढ़ ईश्वर नहीं, कबीर का कोई ईश्वरी किताब नहीं, कबीर की कुछ अलौकिकता नहीं, सब कुछ मानवता के है। इसलिए कबीर मानवता की बात करते हैं, मानव मानव से मिले, प्रेम का वर्ताव करें। सरकार ने कानून बना दिया है, अधिकार समान हो गया है, उसका प्रयोग भी हो रहा है। कोई किसी को अछूत कहे तो दंडित हो सकता है, और इस कानून ने बहुत काम किया है। हम लोगों का मन बदलना चाहिए, केवल कानून सब कुछ नहीं करता है। जब तक हमारे मन में ये विकार है कि कोई जन्म से नीच और ऊंच है, तब तक कल्याण नहीं। विविध मनुष्यों के रक्त निकाल करके डॉक्टर के पास भेजा जाए और वो बता सके ये ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का है, वैश्य का है, ये कुर्मी का है, ये मुराव का है, ये खां का है रक्त, तो माना जाए? ऐसा कुछ नहीं। रक्त प्रवाहित किसी निकाल करके किसी में किया जाता है, ग्रुप मिलना चाहिए तो हितकर होता है। इस बात को समझना कठिन नहीं है, लेकिन स्वार्थ अंधा होता है। शास्त्रों में ये करीब करीब 2,500 वर्षों से लिखा गया है, वेदों में नहीं। चारों वेदों में अछूत कोई होता है कहीं नहीं है। समानी प्रपा सौवन्न भागा, ये वेद का मंत्र है। मेरी प्रपा पौशाला एक हो और एक साथ हम भोजन ले, सम गच्छद्धम सम बदद्धम सम उमरान जानता देवा भागम यथा पूर्वी संजाना ना उपासते। ये ऋग्वेद के अंतिम सूक्त का मंत्र है। साथ साथ चलें, साथ साथ बात करें, साथ साथ मिल बैठ करके अपना अपना भोजन आहार या अधिकार ग्रहण करें। कहीं भी किसी को नीच नहीं माना गया है। और जो मानते हैं कि हम वेदों के पक्षधर हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, वह आज ढिढोरा पीटते हैं कि मनुष्य में राजनीति, पूरी राजनीति, ब्राह्मण सबसे ऊंचे हैं, क्षत्रिय नीचे हैं, लेकिन दो से तो ऊपर हैं, वैश्य उससे नीचे हैं लेकिन शूद्र से ऊंचे हैं। फूट डाला गया, विकार पैदा किया गया, मानव को मानव नहीं रहने दिया गया। कबीर साहब को यह खला और काशी पंडितों की नगरी में उन्होंने डंके के चोट पर कहा, और के छिए ले तो हो छींचा, तुमसे कहो कौन है नीचा, और कोई छू ले तो पानी छिड़कते हो, ओम अपवित्र अपवित्र वा करते हो, तुमसे कौन नीचे। ऐसी बात कहना, आप सोचिए। लोग कहते हैं कि हम ब्राह्मण घर में जन्मे होते तो साहस होता, यूनिवर्सिटी में पढ़े होते तो साहस होता, हमारे पीछे बड़ा वर्ग होता तो साहस होता। कबीर के पास क्या, कहां जन्मे कुछ पता नहीं। कहा जाता लहर तारा तालाब पर नीरू नीमा पाए, और पाले गए नीरू नीमा गरीब जुलाहे, जहां चारों तरफ कुकड़ू कु की आवाज। कहां वो पढ़े, क्या हुआ, लेकिन उनकी वाणी देखिए, पढ़ने वाले थकते हैं और निडर इतने साफ कहते हैं, डरते नहीं है, दृढ़ता है। उनकी दृढ़ता का परिणाम दिनों दिन हुआ कि चमकते जा रहे हो पूरे विश्व में। इतना साहस, सियाई लिपकिन रूस के हिंदी के विद्वान, यहां पर जो काम हो रहा था, पत्र उन्होंने लिखा कि पहली बार जब कबीर वाणी मैंने पढ़ी तो आश्चर्य हुआ, भारत की मिट्टी में ऐसा आदमी हुआ है, लगता आदमी नहीं था वो, ये केवल कल्पना है, आदमी नहीं था वो ऐसा लगता, लेकिन आदमी था। और उसने कहा और डरा नहीं, और कोई कुछ नहीं कर पाया। कबीर जैसे साहसी बनो, मनुष्य को मनुष्य समझो। धर्म शास्त्रों में ऐसी ऐसी गलत बातें लिखी गई हैं जो मनुष्यता के लिए अहितकर है। ग्रंथम स्वपंतम परुषम बदंतम,
यो ब्राह्मण न प्रमेद यथाराम सापाप कृत ब्रह्म दवा के दग्ध बद्धस्य दंडस्य न चासुंदीय। ये विश्व पुराण में लिखा गया। ब्राह्मण मारता हो, गाली देता हो, कटकाता हो, तो भी उसकी पूजा जो नहीं करता है उसको मार डालना चाहिए या दंड देना चाहिए। वो ब्रह्म दावाग्नि से दग्ध है। विश्व भगवान कहते हो मेरा नहीं है। विश्व ऐसा कहेंगे? आज कोई विश्व कहे तो जेल खाने में जाएगा। विश्व नहीं कह सकता ऐसा। विश्व तो जो सब में प्रविष्ट है वो आत्मा है। तो पंडितों ने मनमानी काम किया और हजारों वर्षों से अच्छे अच्छे विद्वान हुए कर्मकांड पर, वेदांत पर, लेकिन उनको ये बुरा नहीं लगा, इसकी समीक्षा नहीं की। आपसे अपील है कबीर की कि मानव को मानव की दृष्टि से देखें, जात पात पूछना भूल जाए, प्रेम का व्यवहार करें, अंतर जाति शादी नहीं मानते हैं तो जब विवाह करना हो तो जात पूछ ली लड़की लड़का का, और अंतर जाति शादी मानते हैं तो भी पूछने की जरूरत नहीं। मनुष्य जात पूछना बंद करें, मनुष्य को मनुष्य देखें और मनुष्य का मूल्यांकन उसके गुण से करें। किसी का मूल्यांकन उसके जन्म से, माता पिता से, जात बिरादरी से नहीं होता है। मां सीता जमीन पर मिली थी खेत जोतते समय जनक को। जनक जमीन बराबर करने के लिए यज्ञ भूमि को हल चला रहे थे। सुबह का समय था। वाल्मीकि रामायण में तीन जगह बात आती है। वो एक कन्या मिली कलश, उसको उन्होंने पाला पोसा। महिमा में कहा गया पृथ्वी फोड़ के निकली, पृथ्वी में समा गई। कभी साहिगली महिमा में कहा गया फूल पर प्रकट हुए और फूल में समा गए। ये लोगों की भावना है। सब माता पिता से जन्म होता सबका, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जिसके भी माता जो माता पिता रहे हो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। बिना माता पिता कोई नहीं पैदा होता है। बृहदारण्यक उपनिषद के आखिर में 50 से अधिक ऋषियों के नाम हैं जिनकी माताओं का पता है, पिताओं का नहीं। शंकराचार्य स्वामी वर्ण व्यवस्था के कट्टर पक्षधर थे, लेकिन उन्होंने वहां कहा स्त्री स्वतंत्रात गुणवान पुत्र होती। स्त्री जब स्वतंत्र होती है तो गुणवान पुत्र पैदा करती है। इस वाक्य में उनकी वर्ण व्यवस्था सब समाप्त हो गई। सत्यकाम जावाल अपनी मां से पूछते हैं, मां मैं पढ़ने जाऊंगा, गुरु जी पूछें कि क्या गोत्र है तो क्या बताऊंगा, तो कहा बेटा भवम चरंती परचारिणी योगने ताम्रभे। जवानी अवस्था में घूमती विचरती अनेकों का सेवा साचरण करती हुई तेरे को मैंने पाया है, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं। जवाला सेवकाई का काम घर घर करती थी, जवानी संभाल न सकी थी, एक से उसका संबंध नहीं था, गर्भ किससे रहा पता नहीं, इसलिए साफ कह दिया। सत्यकाम गुरु के पास गया, गुरु जी पढ़ूंगा, किस गोत्र का है? माता ने ऐसा बताया, बेटा तो ब्राह्मण है क्योंकि सत्य बोलता है। ये हमारे पूर्वजों की धारणा थी, जो सत्य बोले वो ब्राह्मण है। हम पूर्वजों को गुण गाते हैं समझते नहीं। मानो मानव है, ये भाव सब में जमना चाहिए और काल्पनिक जात वर्ण के आधार पर उसका मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। जात संस्कृत भाषा का शब्द है, उसका अर्थ है पैदा होना। जिनकी पैदाई से इनकी उनकी एक जात है। गाय से और घोड़े से बच्चे नहीं होते, इसलिए भिन्न जातियां उनकी हैं। हथनी से और ऊंट से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी भिन्न जातियां हैं। किंतु इस धरती के किसी कोने के नर और किसी कोने की नारी से बच्चे होते हैं, इसलिए मनुष्य में दो जात नहीं। कबीर साहब की अपील है कि धर्म मजहब नहीं है। मजहब और संप्रदाय बनते और मिटते हैं, धर्म सनातन है। दुनिया में जितने संप्रदाय आजकल हैं 3000 वर्ष के अंदर के, ज्यादातर 2500 वर्ष के। इस्लाम 1428 वर्षों से है, ईसाई 2000 वर्षों से है, बुद्ध 2500 वर्षों से है, जैन उससे पुराना है। लेकिन जैन का साहित्य ईसा के बाद बने। महावीर स्वामी के काल में जैन संप्रदाय का एक पर्चा भी नहीं था।
बुद्ध क्या कहते हैं, इसकी भूमिका मैंने ये सब लिखा है। ईसाइयत 2000 वर्षों से, यहूदी उससे पुराने हैं। पुरानी बाइबिल ईसा के 1000 वर्ष पूर्व के अंदर में बनी है। कोई 300 वर्ष पूर्व, कोई 400 वर्ष पूर्व, कोई 700 वर्ष पूर्व, सारे संप्रदाय दुनिया के 3000 वर्ष के अंदर के संप्रदाय बनते हैं और परिवर्तित होते हैं, और धर्म न बनता है न परिवर्तित होता है, वो सनातन है। सनातन धर्म हिंदू धर्म में रूढ़ रूप में कहते हैं, जो तुलसी की पूजा करें, गौरी गणेश को माने, गंगा जमुना नदी को पवित्र माने, रामकृष्ण को अवतार माने, वर्ण व्यवस्था माने, वो सनातन धर्म ही है। ये रूढ़ सनातन धर्म है। सनातन धर्म का अर्थ है नित्य धर्म, जो देश काल की सीमा से बाहर हो, सभी देश और सभी काल में मान्य हो, वो सनातन धर्म है। वो है संयम और शील, अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव करना, यही सनातन धर्म है। और इतने में सब कुछ, और यह न किया जाए तो कुछ नहीं है। मजहब संप्रदाय बनते हैं, उसका एक कोई नायक होता है, एक किताब होती है, एक मान्यता होती है, इसलिए किसी देश काल में वो बद्ध है, उसकी जरूरत है, वो बुरी नहीं है। वो बात दुनिया बड़ी है और दुनिया में अनेक देश प्रदेश है, अनेक क्षेत्र है, महापुरुष भिन्न देश काल में होते हैं और वे समाज को प्रेरणा देते हैं, उनके पीछे लाखों लोग खड़े हो जाते हैं, इसलिए संप्रदाय बन जाता है। संप्रदाय बनना बुरा नहीं। संप्रदाय में जो अलौकिकता की चाशनी दी गई है वही चार है। हमारी किताब ईश्वरी है, हमारा महापुरुष ईश्वर का पैगंबर या अवतार है, और हमारा संप्रदाय ईश्वर का चलाया है, यही सारा चार है। हमारे संप्रदाय को जो नहीं मानेगा वो नास्तिक या काफिर है, हमारी किताब को जो नहीं मानेगा नास्तिक है, नापाक है, हमारे महापुरुष को जो अवतार पैगंबर नहीं मानेगा वो स्वर कुत्ता गधा है, पापी है। ये सब धारणा धर्म के क्षेत्र में विष पैदा करता है, करती है, और ये झूठी बात है, दादागिरी के लिए है। सारी किताबें मनुष्यों की रचनाएं, वेद सबसे पुराना ग्रंथ है, ऋग्वेद प्रथम ग्रंथ है। मैक्स मुलर ने ऋग्वेद के साणाचार्य के भाष्य को लेकर के दो बार अपने जीवन में छपाया था। उन्होंने जो कुछ लिखा इंग्लिश में लिखा, संस्कृत के उपरकांड पंडित थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल की भूमिका में उन्होंने लिखा कि ऋग्वेद या वेद केवल आर्यों की पुस्तक नहीं, पूरी मानवता की, बाइबल से भी पुरानी है। यावत अस्थासंद गृह सर्वस्य मयि तले तावत ऋग्वेद महिमा लोकेश प्रचरिष्यत। वाल्मीकि रामायण के एक श्लोक का पाठांतर करके उन्होंने इसको रखा है। जब तक धरती पर नदियां बहेंगी, पर्वत रहेंगे, तब तक ऋग्वेद की महिमा फैली रहेगी। वेद सबसे पुराना है, वेद में अवतारवाद नहीं, पैगंबरवाद नहीं है, और वेद में कहीं नहीं लिखा है कि ये वाणी आकाश से आई है। हर सूक्त पर ऋषि का नाम है जो रचयिता है, और देवता का नाम है, यानी विषय, सूर्य, सविता, ददिक्रा, उषा, अश्वनी, ये जो विषय है, विषय को देव कहा गया है, तो देव का नाम, देवता का नाम है, और छंद का नाम है गायत्री, बृहति, पंक्ति, जगति, उष्णिक इत्यादि। वेद के हर सूक्त पर उसके ऋषि का नाम है, रचयिता का नाम है। वेद के ऋषि ये धोखा नहीं देते, वेद के ऋषि अत्यंत निश्चल है। सारी पुस्तकें दुनिया की मनुष्य की बनाई है, और सारे मनुष्य महापुरुष केवल मनुष्य, कोई आकाश से नहीं आया। अलौकिकता समाज को धोखा देने के लिए है, और उसी में चमत्कार भरा है। हमारे गुरुजी आकाशगामी हैं, 1000 वर्ष के हैं, 4 किलो चावल में भात बना, उन्होंने देख लिया, कई हजार लोग खाए, एक घंटा भात बच गया,
दीवार पर हमारे गुरुजी बैठे थे कि दीवार से कहे चल, दीवार चल पड़ी। वेद मंत्र उन्होंने गाय से बैल से बोलवा दिया। अनेक बातें ऐसी जो कारण कार्य व्यवस्था के विरुद्ध है, ये चमत्कार है। कवि साहब ने इसका कष्ट खंडन किया है। काहू के वचन ही पूरे, काहू करामाती, मान बढ़ाई ले रहे हिंदू तुरुप जाती, बात ब्योते आसमान की मुद्दत नहीं रानी, बहुत खुदे दिन राखते बूढ़े बिन पानी, कहें कबीर कासो कहो सकलो जगंदा, साची सो भागा फिरे झूठे के बंदा। उस जमाने में उन्होंने इतना कष्ट कहा, कोई आकाश में उड़ रहा है, कोई सिद्धि बता रहा है। आज भी भारतवर्ष में दर्जनों अवतार हैं और ये अधिक से अधिक शिक्षितों की अपेक्षा, अशिक्षितों की अपेक्षा शिक्षितों को मूर्ख बनाने में लगे हैं। ये जो बड़े बड़े अवतार हैं इनके पंजे में DIG है, IG है, जज है, अफसर है, प्रोफेसर है, वकील है, डॉक्टर है। पढ़ाई लिखाई अपना विषय है, वस्तु बोध एक अलग विषय है। अंधविश्वास में दुनिया जकड़ी है, चमत्कार बिल्कुल झूठी बात है। जितना प्रकृत विरुद्ध बात है, कारण कार्य व्यवस्था विरुद्ध बात है, उस चमत्कार है। और चमत्कार इन धार्मिकों का प्राण है जो धार्मिक कहलाने वाले हैं। सब अपने गुरु को आकाशगामी बनाते हैं, अलौकिक बनाते हैं, और केवल वही केंद्र है, दूसरे सब बेकार है। कबीर साहब ने इसका कष्ट खंडन किया। भाई रे द्वि जगदीश कहां ते आया, कौ कोने बोराया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया, गाना एक कनक ते गाना यामे भाव न दूजा, कहन सुनन को द्वि करता पे एक निमाज एक पूजा, वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मादम कहिए, को हिंदू कुतरु कावे एक जमी पर रहिए, वेद के देव पढ़ाए वे कुतबा वे मुल्ला वे पाड़े, बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भाड़े, पंडित देखो हृदय बिचारी, को पुरुषा को नारी, सास समाना घट घट बोले वाको चरतन रूपा, वाको नाम कहा कह लीजिए ना वाको गणन रूपा, तय मैं क्या कर सी नर बोरे, क्या मेरा क्या तेरा, राम खुदाय शक्ति शिव एक है, कोधो काहे नहीं हो रहा, वेद पुराण किताब कुराना, नाना भांत बखाना, हिंदू दुर्ग जैन योगी एक कल का हो जाना, वेद पुराण कुरान में नाना प्रकार से कहा गया है, न कि सत्ता नाना प्रकार है, कहने के तरीके फर्क है, वास्तविकता एक है। हमें राम में श्रद्धा है तो कृष्ण ही में नहीं, बुद्ध में होना चाहिए, मोहम्मद और ईसा में भी होना चाहिए। मोहम्मद के हम भक्त हैं तो राम में भी होना चाहिए, नानक में भी होना चाहिए, कबीर में भी होना चाहिए और में भी होना चाहिए। ये संप्रदायी लोग विस्फोट होते हैं। मोक्ष केवल हमारे संप्रदाय में है। हमारा गुरु अवतार है या पैगंबर है, हमारी किताब आकाशी है, हमारा संप्रदाय ईश्वर का दिया हुआ है। पहले कि ईश्वर खड़ा करेंगे जो कि वो कुछ भी कर सकता है, सर्वशक्तिमान है, फिर उसको सिद्ध करने वाले वो खुद हैं, तो वे भी जो चाहे सो कर सकते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं कि कोई कुछ भी कर सकता है, ईश्वर भी कोई कुछ नहीं कर सकता है। ईश्वर एक नियम है, नियमबद्ध सारा संसार चल रहा है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, ईश्वर को व्यक्ति बनाया गया है और उसको जादूगर बनाया गया है और उसका भक्त बनकर के स्वयं धार्मिक लोग जादूगर बन गए। जो चाहे वो दे सकते हैं, लड़का दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, रोग काट सकते हैं। ईश्वर चाहे जो कर सकता है, वो सूरज पर कमल और कमल पर सूरज खिला दे। ईश्वर से निवेदन करना चाहिए कि सूरज पर कमल और कमल पर सूरज न खिलाए, धरती से दुराचार को खत्म करवा दे। एक दिन कानून उठा लिया जाए तो धरती रोने लगेगी, ईश्वर बैठा रह जाएगा। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, ईश्वर विश्वव्यापी नियम है, नियम को पहचान है। नियम के विरुद्ध काम करेंगे दुख पाएंगे, नियम के अनुसार चले। इसी प्रकार कोई महात्मा अलौकिक नहीं है। महात्मा ज्यादा भोजन करेगा उसका भी पेट खराब हो जाएगा, और अगर वो आचार विचार ठीक नहीं रहेगा तो उसका भी मन अशांत होगा। सिद्ध आकाशगामी होते हैं। योग दर्शन में आता है विभूतिपादिक, जो कि पतंजलि महाराज ने आज से 2000 वर्ष पूर्व जो चमत्कार फैला था सिद्धियों के लिए, उसको सूत्रबद्ध कर दिया।
मैंने भास किया योग दर्शन का, अच्छे अच्छे पंडित पढ़ करके महसूस किए हैं कि आपने ठीक किया, सारी सिद्धियों का मैंने खंडन किया है। सिद्ध का अर्थ है निष्काम, निर्माण, तृप्तात्मा होना। जो मन सबको भटका रहा है उस मन को जो वश में कर ले वो सिद्ध है। सिद्ध पुरुष एक काली चींटी को लाल चींटा नहीं बना सकता है, एक गेहूं के दाने को चावल का दाना नहीं बना सकता है, इतना नहीं हजार ईश्वर मिल करके गेहूं के दाने को चावल का दाना नहीं बना सकते। इस तथ्य को समझने की जरूरत है, ईश्वर की व्याख्या ही गलत कर डाली गई है। हमने ईश्वर व्यक्ति बना डाला है और वो भी हर संप्रदाय वालों ने ईश्वर को अपने मत में दीक्षित कर लिया है और उसको डांट दिया है कि देखना दूसरे मत वालों को मोक्ष न देना। इसलिए इन अंधविश्वासों से ऊपर उठने की आवश्यकता है। कोई संप्रदाय सत्य का एकाधिकारी ठेकेदार नहीं है। भारतीय परंपरा का मूल अवतारवादी पैगंबरवादी नहीं है, यह ध्यान दीजिए। वेद के ऋषि हमारे पूज्य हैं, उपनिषद के ऋषि पूज्य हैं, शास्त्र के ऋषि पूज्य हैं, लेकिन हमारी उपासना के केंद्र में नहीं है। कपिल कणाद, जैमिन बादरायण और जागवलक, विश्वामित्र, उसस्ति, उद्दालक, स्वेतकेत, यागवल्क, कोई भी हो, ये हमारे पूज्य हैं, उपासना के केंद्र में नहीं। रामकृष्ण उपासना के केंद्र में बहुत पीछे आए, 2-2.5 हजार वर्ष हुआ कृष्ण की उपासना अवतारवाद के रूप में शुरू हुई। श्री राम को पूर्ण अवतार तो हजार वर्ष से माना जाता है। वाल्मीकि रामायण तक में कहीं नहीं लिखा है कि राम नाम जपो कल्याण होगा और राम परब्रह्म परमात्मा, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। अवतारवाद की कल्पना उत्तारवाद की प्रतिक्रिया में हुई है। बुद्ध और महावीर को जैनियों बौद्धों ने उत्तारवाद में रखा। बुद्ध और महावीर सामान्य जीव थे, वे सारे विकारों को छोड़ करके ऊपर उठ गए, ये वैज्ञानिक है। लेकिन ब्राह्मणों ने इसकी प्रतिक्रिया में कहा कि हमारा परब्रह्म परमात्मा अपने गुणों को घटा करके अवतार हो गया, ये काल्पनिक है। लेकिन इस पर यह नहीं कहा गया कि जो हमारे अवतार को नहीं मानता है वो नरक जाएगा। जब ईसाई मुसलमान यहां आए तब भक्त कवियों पर प्रभाव पड़ा, वे कह रहे थे कि जो हमारे पैगंबर को नहीं माने वो नरक में जाएगा, तो अवतारवादी भी कहने लगे जो हमारे अवतार को नहीं मानेगा वो स्वर्ग होता गधा, वो नरक में जाएगा। निर्यम गता मधुसूदन सरस्वती जैसे प्रकांड पंडित जो नदिया जिला के थे, बंगाल के, अवकाशी कार्य क्षेत्र था, उत्तम विद्वान थे, उन्होंने कहा कृष्ण को जो परमात्मा नहीं मानता वो नरक में जाता है। हमारे गोस्वामी जी अनेक बार कह डाले कि जो श्री राम को अवतार नहीं मानता वो पशु है, जानवर है। ये सब प्रभाव ये पैगंबर बात का पड़ा, तब ये कहा गया। भारतीय परंपरा का मूल ग्रंथ अवतारवादी नहीं है। भारतीय परंपरा की उपासना आत्म केंद्रित है, आत्मा की उपासना है। कवि साहब अपील करते हैं आपसे कि कोई संप्रदाय सत्य का एकाधिकारी ठेकेदार नहीं है, इसलिए नास्तिक कहना बिल्कुल गलत है। कोई नास्तिक दुनिया में नहीं, नैतिकता को जो न माने वो नास्तिक है। चोर भी नैतिकता को मानते हैं। चार चोर जब चोरी का माल बांटते हैं तो कहते ईमानदारी से बांटना, इसलिए चोरों में भी नैतिकता के बीच है। और नास्तिक कौन है? नास्तिक कौन मेरी एक पुस्तक है जो कबीर दर्शन का एक संदर्भ है, उसमें मैंने कहा नास्तिक कोई नहीं। और एक दूसरे के ख्याल से सब नास्तिक हैं। स्वामी शंकराचार्य वैष्णव को नास्तिक कहते हैं, वैष्णव शंकराचार्य को नास्तिक कहते हैं, स्वामी दयानंद इन दोनों को नास्तिक कहते हैं, ये दोनों स्वामी दयानंद को नास्तिक कहते हैं, हम आपको नास्तिक कहते हैं, आप हमें नास्तिक कहते हैं, सब मिला करके सब नास्तिक हुए। और नास्तिक कोई नहीं है। मार्स नास्तिक है। मार्स के उपदेश से जितनी हत्या हुई है, धर्म वालों के उपदेश से बहुत हत्या हुई है। धर्म वाले बहुत बिगाड़े हैं। झूठ बोलने में धर्म वाले आगे हैं। अगर झूठ बोलने की प्रतियोगिता आयोजित करना है तो इन धार्मिकों को बुला लीजिए, तो एक से एक बढ़ करके झूठ बोलेंगे। और सत्य धर्म सत्य है, धर्म झूठ नहीं है। चमत्कार जितना है शायद इसका खंडन करते हैं। अंतिम बात अध्यात्म है। आदमी जो कुछ पा जाए
संतोष नहीं पाता है, पहले लगता है कि संतोष मिलेगा, बड़ा पद पा जाए, बड़ा धन पा जाए, सुंदर पत्नी पा जाए, सुंदर पद पा जाए, देवी लड़के बच्चे मिल जाए, बाबा लोग बड़ा मठ पा जाए, बड़े महंत हो जाए, तो लगता है उनको कि कुछ मिलेगा, लेकिन यह धोखा है, कुछ नहीं मिलेगा। जीवन भर जो कुछ मिलता है उससे खुराफात इकट्ठा होती है। वो खुराफात क्या है? मन के संस्कार, वो काटते हैं रात दिन। कहते भूत बाधा जिसके ऊपर होता है वो तबाह हो जाता है। भूत प्रेत झूठे हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं, भूत प्रेत लगन महोर दिशा शूल शकुन अपशकुन छीक से हान लाभ अंग फड़कने से हान लाभ सब बकवास है, कुछ नहीं। आपके ऊपर कोई दैवी शक्ति नहीं तैर रही जो आपको दबा दे। हमें और आपको तकलीफ देने वाला, हम स्वयं अपना छोड़ करके कोई तकलीफ देने वाला नहीं, स्वयं को हम तकलीफ देते हैं गलत काम करके। जो आदमी चोरी हत्या व्यभिचार करता है वो बहुत दुखी रहता है, उसका मन बहुत खराब रहता है। जो ईमानदारी से कमाता खाता है वो ऐसे उलझन में नहीं रहता है, लेकिन वो भी पूरा सुखी नहीं रहता है, क्योंकि उसका भी मन बहिर्मुख है, विषय वासना में है, बाहर आकर्षित है। जो बहुत संयम में रहता है वो बहुत सुखी रहता है, लेकिन पूरा सुखी नहीं रहता है। पूरा सुखी आदमी तब होता है जब वो एकदम अंतर्मुख होता है। बाहर का आकर्षण छोड़े बिना कोई अंतर्मुख नहीं हो सकता है। कबीर साहब की वाणी में वैराग वाणी इसीलिए है, हम जानिए खाएंगे बहुत जिमी बहुमान, ज्यों का त्यों ही रह गया पकड़ ले गया काल। जंगल ढेरी राग के ऊपर ऊपर हरियार, ते भी होते मानवी करते रंग रलियार। जंगल में गए राग की ढेरी देखी, उस पर घास उगी हुई है। साहब कहते ये भी इंसान थे लेकिन राग की ढेरी आज है। अंत को देखना ज्ञान का अर्थ है। आज कल में वह दिन आएगा जब मेरा शरीर पड़ा रहेगा जमीन पर, कुछ लोग रोएंगे, कुछ लोग समझाएंगे, अंत में कहे भैया आप अंत्येष्ट संस्कार करो, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। ये सब हमारे मित्रों का आ रहा है, एक एक का आ रहा है, हमारे शरीर का भी आना है। आप कौन है? आप दृष्टा है, साक्षी है, चेतन है। साहब ने कहा बंदे कर ले आपने बेरा, आप जीत न ख्वाब ठोर कर मुझे कहां घर तेरा। यही अवसर नहीं जेते हो प्राणी अंत कोई नहीं तेरा, कहें कबीर सुनो वो संतो कठिन काल को घेरा। यहां हमारा जो बड़ौदा में घर है ये नकली घर है, बड़ौदा लाक्षणिक हुआ, चाहे बड़ौदा हो चाहे इलाहाबाद हो, यहां हमारा घर नहीं ये पड़ाव है। हमारा घर तो अपना आत्मा है जिससे हम कभी अलग नहीं हो सकते। आप लोग यहां आए हैं, अपना घर छोड़ के आए, फर्नीचर छोड़ के आए, पैसे छोड़ के आए हैं, परिवार छोड़ के आए हैं। अगर आप मंगल ग्रह में जाएं तो वहां भी आप अपने सहित जाएंगे, अपने को छोड़ करके रहने कोई गुंजाइश नहीं है। आत्मा ही आत्मा का घर है, आत्मा ही आप आत्मा का आनंद भवन है, यह आत्मा ही परमात्मा है, पर ब्रह्म है। निर्वाण मोक्ष कल्याण कैवल्य साकेत लोक गोलोक शिवलोक जनलोक तपलोक स्वर्गलोक जन्नत, आपकी आत्मा के अलावा कहीं कुछ नहीं। चित्त की निर्मलता स्वर्ग है, सब तरफ से अनासक्त मोक्ष है, वो आत्म है। अपने आप को पहचानना, आप साक्षी, आपके सामने असंख्य प्राणी पदार्थ परिस्थितियां आए और गए, कितने संकल्प विकल्प आए गए, ईर्षा क्रोध काम लोभ दया क्षमा शील संतोष, ये सारे सद्गुण भी आते और जाते हैं व्यक्तियों में, लेकिन आप स्थिर हैं। अपनी स्थिरता को समझें, अपने स्वरूप को पहचाने, निज स्वरूप को पहचाने। अपना स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप ये शरीर नहीं है, शरीर मिट्टी का खोल है, चाम का थैला है, टट्टी पेशाब की पोटली है, उद्वेगों का घर है, दुखों का घर है, रोगों का घर है, विकारों का घर है, दूसरे पक्ष में कल्याण का साधन है। इसको हम भोगों में उत्तेजित न करें, संयम से रहें, अंतर्मुख। आदमी विवाह क्यों करता है? क्योंकि समझता है हम रह नहीं पाएंगे, और विवाह करना उसका कर्तव्य है। विवाह जिसके लिए किया उसको देख लिया, जिसमें बड़ा आकर्षण था समझ लिया, अब उसको चाहिए उस आकर्षण को छोड़ दे। विवाह वैराग्य के लिए है,
जो वैराग पहले कर सके विवाह न करें, वो नहीं करते हैं। लेकिन जो विवाह कर लिए तो विवाह करने के बाद तो पता चल गया, जिसमें बहुत आकर्षित थे उसकी पोल पट्टी का पता लग गया, तो आप वैराग करना चाहिए, घर में रह के वैराग करें। बिना वैराग के किसी कल्याण नहीं होगा। जो घर छोड़ दिए हो वैराग करें, जो घर में वो वैराग करें, क्योंकि घर छोड़ना सबको है, गृहस्थ को भी घर छोड़ना है। राम नाम सत्य एक दिन आएगा, ये आवाज आएगी। इसलिए सबको बाहर से अनासक्त होने की जरूरत है, तभी अंतर्मुखता आएगी, अपने तरफ लौटना होगा। निर्विकल्प समाज जीवन का परम फल है। संकल्प विकल्प शून्य हो जाने पर अद्वैत स्थित आती है। आत्मा अद्वैत है, अकेला है, केवल है, शुद्ध है। अरबी वाले उसको बका कहते हैं, संस्कृत वाले शेष कहते हैं। अपने को समेटना है, भजन क्या है, अपने को समेट लेना। पहले ठीक है, किसी प्रकार उपासना कोई करता है बुरा नहीं है, नाम जपता है, मंत्र जपता है, पूजा करता है, नमाज पढ़ता है, कोई बुरा नहीं। लेकिन अंतिम उपासना है अपने को अपने में लौटा लेना। चश्म बंदव, गोश बंदव, लब्य बंद, गर्नबीनी सर्रे अकबर मन बखन, रूमी साहेब ने कहा, सूफी संत है, आंखों को बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, ओठों को बंद कर लो, इतने पर भी सत्य के दर्शन ना हो तो मेरा मजाक उड़ाना। अपने को समेट लो। कहा नानक, बिन आपा चीने मिटे न मन की काई। आपा को पहचाने बिना ये मन का मैल नहीं जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल हो, कहे कबीरता संद का पला न पकड़े कोई। समझ बूझ करके जड़ हो जाए और बल त्याग करके निर्बल हो जाए, यानी निर्माण हो जाए, उसका कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता है। अंत में सबसे नम्र हो जाओ। जवान लोगों को अहंकार रहता है, घर पर शासन रहता है, बूढ़े हो जाते हैं सिमट के बैठ जाते हैं। अगर उन्होंने जीवन ठीक से नहीं जिया है तो बुढ़ापा में दुख है। बुढ़ापा जीवन मुक्त सुख के लिए है और निष्काम होने से होगा। वृद्ध को चाहिए निष्काम निर्माण, मर जाए। लड़के ने कुछ कह दिया, कुछ न उत्तर दे, यही मर जाना है, शांत रह जाना। किसी ने कुछ कहा, सह लिया, जो मिला खा लिया, संतोष से जीवन बिताते हैं, आत्मज्ञान में रमते हैं, वो जीवन मुक्ति का फल पाते हैं। भली बुरी सबकी सुन लीजिए कर गुजरान गरीबी में, भली बुरी सबकी सुन करके गरीबी में गुजरान, मन लागो मेरो यार फकीरी में। तो आध्यात्मिक लाभ है अपने में लौटने पर होगा। परमात्मा मिलता है, मोक्ष मिलता है, ये भाषा है। मोक्ष बाहर की चीज नहीं, परमात्मा बाहर की चीज नहीं है। परमात्मा मोक्ष आपका स्वरूप है। आत्मा को छोड़ करके कहीं परमात्मा मिलने वाला नहीं है। वेद शास्त्रों उपनिषदों में कहीं नहीं ईश्वर दर्शन कहा गया है। ये तो महाकाव्य और पुराणों के समय में यह शुरू किया गया है। बौद्धों जैनों को पछाड़ने के लिए नई नई कल्पनाएं गढ़ी गई हैं 2,500 वर्षों से। उसके पहले विचारवान विचार पूर्वक कहते थे। कैसा आश्चर्य है, पुराने लोग तथ्य कहे और पीछे के लोग गड़बड़ा दिए, जबकि उनको और प्रगत करना चाहिए था। कबीर साहब ने सबको झकझोरा। अभी गुणवंत साहब ने जो कहा मगहर जाना, कबीर साहब काशी में कहे कि यहां से मैं यहां मरने मोक्ष होता है, मगर मनुष्य गधा होना होता है, चलो मैं मगर मरूंगा, कौन गधा बनाता है। तो वहां काशी के पंडित जो मैथिली पंडित है, मैथिली पंडित बड़े विद्वान और तार्किक, न्याय दर्शन का उदय मिथिला में हुआ है। अभी मेरा मिथिला में कार्यक्रम था, बिहार की तरफ से ही लौटा हूं, तब भोपाल आया हूं और इधर आया हूं। तो मैंने मिथिला में प्रथम प्रवचन में यही कहा कि कबीर साहब के पास मैथिली पंडित ही गए थे, मैथिली पंडितों की एक सभा के लोग गए कबीर साहब पास, कहे साहब आप बड़े भोले हैं, काशी छोड़ते हैं जहां पर मरने से मुक्ति होती है, मगर में जाते जहां गधा होना पड़ता है। कबीर साहब ने समझाया, फिर उन्होंने एक पद कहा, आशुकवि थे, तुरंत कविता बना ली। बीजक के शब्द प्रकरण में 103वां यह शब्द है, पंडित लोगा तुम्ही मत के भोरा, जो पानी पानी मिल गयो त्यों धुर मिला कबीरा,
जो मैथिल को साचा व्यास, तोहर मरण हो मगहर पास, मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंते मरे तो राम ले जावे, मगहर मरे सो गधा हो, फल प्रतीत राम सुख हुए। क्या काशी क्या मगहर उसर, जो पे हृदय राम बसे मोरा, जो काशी तंतजे कबीरा, तो राम ही को कौन ने हो रहा। अरे पंडितों तुम ही बोले हो, मैं बोला नहीं हूं। अगर तुम मिथिला के सच्चे पंडित हो तो तुम्हें भी मगहर में मरना चाहिए। जो मैथिल को सांचा व्यास, तोहर मरण हो मगहर पास। तो पंडितों ने कहा अच्छा महाराज, तो हमारा अंधविश्वास से काशी मरने से मोक्ष, आपका अंधविश्वास से मगहर मरने से मोक्ष। लेकिन कबीर कच्चित आगे के नहीं थे, वो लोक पुरुष थे और वह शब्द शिल्पी भी थे। उन्होंने कहा मगहर का मतलब होता है मग रास्ता हर ज्ञान, मगहर ज्ञान मार्ग। अरे पंडितों ज्ञान मार्ग में मरो, काशी मरने से मोक्ष नहीं होगा। जो मैथिल को सांचा व्यास, तोहर मरण हो मगहर पास, मगहर यानी ज्ञान मार्ग में मरना चाहिए। मगहर मरे सो गधा हो, और गोरखपुर के पास जो मगहर है वह मरने से कोई गधा हो जाएगा। भर प्रतीत राम सुख हो, राम पर विश्वास नहीं रहा, राम बड़ा है कि मगहर। पंडित जी बेचारे डल हो गए। कबीर कहते हैं राम बड़ा है, और पंडित कहता मगहर बड़ा है, तो राम का भक्त कौन हुआ। क्या काशी क्या मगहर उसर, जो पे हृदय राम बसे मोरा। साहब कहते हमारे हृदय में राम की स्थित है, तो काशी मगहर उसर जमीन में क्या फर्क पड़ता है। ज्ञानी का शरीर उकेरा पर छूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सड़क में छूट जाए, एक्सीडेंट में छूट जाए, बिस्तर पर छूट जाए, वो तो सदैव आत्मा राम है। आत्मा आरम, सब तरफ से आत्मा में रमने वाला, उसको कौन डर है। जीवन का परम लक्ष्य है अपने में लौट आना, ये कुछ रहेगा नहीं किसी का। अभी साल भर हो रहा है राष्ट्रपति, जब नवीन राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे, उसी रात को वे तीन कमरे के मकान में आ गए। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति भवन भारत का कितना विशाल है, और उसको छोड़ करके तीन कमरे के मकान में आ गए। और कुछ ही दिन में उस कमरे में जाना होगा जहां अंधकार है, हवा प्रकाश नहीं, वो कब्र है। उन्हीं का नहीं, हमारा आपका सबका। इस चीज को याद करना बहुत जरूरी है। अपने आत्मा से मिले आपका धन, आपका परमात्मा, आपका सुख, आपका निर्वाण, आपका परमानंद, आपका परम प्रियतम आत्मा। प्रवचन में एक इशारा किया जाता है, निर्देश दिया जाता है, प्रवचन में सब बोध नहीं हो जाता है। प्रवचन में जग जाना चाहिए, भूख लगनी चाहिए, और स्वयं ऐसे संतों, ऐसे सज्जनों से मिलें, सत्संग करें, अध्ययन करें, चिंतन करें, साधना करें, और इस जीवन का फल पाएं। कबीर साहब के विचारों का यहां संदर्भ था, इसलिए उनको लेकर के कहा गया। पहली अपील उनकी है कि मानव को मानव की निगाह से देखें। दूसरी अपील है कि संप्रदाय बनते बिगड़ते रहते, धर्म एक है, और कोई भी संप्रदाय सत्य का एकाधिकारी ठेकेदार नहीं है। इसलिए समता का व्यवहार होना चाहिए। कोई पुस्तक आकाशी नहीं है, इसलिए सब पुस्तकों का आदर होना चाहिए, और सबसे सार लेना चाहिए। शुभ स्वभाव बनना चाहिए, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव है। सार सार को कह रहे थोथा देवड़ा है। और अंततः जीवन का परम आनंद, परम सुख, क्लेश रहित मन हो करके जीना जीवन की सफलता है। नींद खुले, कोई झटका ना आए मन में, सुख से सोएं, सुख से जागें, सुख से जिए, सुख से मरे, ये जीवन की सफलता है। ये अध्यात्म की तरफ, आत्मा की तरफ लौटने से होगा। जिसको साहेब ने कहा कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बर्मा, तैसे घट घट राम है, दुनिया जानत ना है। आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।